रवि भैया, रवि भैया क्या हो रहा है ये सब? क्या चाहिए आप लोगों को हमारे बक्से में से? कृष्णा, ज्योति के गहने का है। छोटी मालकिन के गहने? हाँ। ओह, कितना अनजान बन रहा है बेचारा। सीधी तरह से बता दे कि ज्योति के गहने कहाँ छुपाए हैं। कहीं बेचकर तो नहीं चला है? विक्की भैया, आप लोगों को हम पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। अरे अरे, क्या हम अपने घर में चोरी करेंगे? हाँ छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, क्या हम चोर दिखाई देते हैं? हाँ, क्या चोरी जैसा नीच और घटिया काम हम कभी कर सकते हैं? तो फिर गहने कहाँ गए? इस घर में और कौन है जो चोरी कर सकता है तुम्हारे सिवा? बस भैया, मुझे अपने गहने चोरी होने का इतना गम नहीं जितना कृष्णा की बेइज्जती का है। ये चेन तुम्हारी है ना ज्योति? ये हमको नहीं पता कि हमारे बक्से में कैसे पहुंची। हम सच कहते हैं। तो तू कहना क्या चाहता है? हम में से किसी ने ये चेन तेरे बक्से में रख दी? ये इस तरह नहीं मानेगा। फोन करके पुलिस को बुलाओ, वो खुद ही कबूल करवा लेगी। तुम ठीक कह रही हो। अरे नहीं नहीं, इस घर में पुलिस नहीं आएगी। छोटी मालकिन, इन्हें समझाइए, इस घर में पड़ेगी तो इस घर की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ठहरो, कोई जरूरत नहीं पुलिस को मेरे दरवाजे पर बुलाने की। मगर बड़े भैया, ये रवि, मैं अभी तक मरा नहीं हूं। घर की छोटी मोटी उलझने मैं खुद सुलझा सकता हूं। साहब जी, इन्हें डांटिए, अभी का अभी डांटिए। अरे छोटी मालकिन के गहने चोरी हो गए और ये लोग हम पर शक कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि वो गहने हम कहीं बेचा है। बाकी के रुपए कहां है कृष्णा? क्या क्या पूछा आपने साहब जी? मैं पूछ रहा हूं कि बाकी के रुपए कहां है? ये आप पूछ रहे हैं साहब जी अपने कृष्णा से? देखो कृष्णा, गलती हर इंसान से होती है। तुम मुझे सही सही बता दो कि गहने तुमने कहां बेचे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब कहने के लिए बाकी क्या है साहब जी? एक छोटा सा सवाल पूछ के आपने बहुत कुछ कह दिया है साहब जी। कृष्णा, बात को आगे मत बढ़ाओ। बात आगे बढ़ चुकी है साहब जी, बात आगे बढ़ चुकी है। अब तो आप पुलिस को ही बुलाइए। वो जब हमें कुत्ते की तरह मार मार के हमसे पूछेगी ना, अब तो हम तभी बताएंगे कि हम मैंने कहां बेच कर आए। साहब जी मत कहो मुझे। साहब जी, इसी साहब जी की इज्जत आज तुमने मिट्टी में मिला थी। क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए, उसका मुझे तुमने ये बतला दिया। बड़े भैया, अरे हट जाओ ज्योति। जिस दिन मेरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई थी और मैं बर्बाद हो गया था, मुझे उतना दुख नहीं हुआ था कृष्णा जितना आज हुआ जब तुमने इस घर में चोरी की है। साहब जी, बचपन में जब हमारे माँ बाप मर गए थे ना और हम अनाथ हो गए थे ना, तब भी हमें इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख हमें आज हुआ है जब आपने हमें चोर कहा। साहब जी, आपने हमें चोर कैसे कहा? साहब जी, और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। दूर हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, निकल जा इस घर से। अरे इस घर से ही क्या, इस गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे? अरे मुझ अनाथ का क्या है, काट लेंगे अपनी जिंदगी कहीं भी। इतने साल इस घर में बेफिक्री से यह समझकर काट लिए कि साहब जी का हाथ है हमारे सर पर। हमको क्या है परवाह किसी बात की, मगर नहीं, अब हम जान गए कि इस दुनिया में अनाथ का कोई नहीं होता। हम जा रहे हैं साहब जी, और इस घर में कभी नहीं आएंगे। अभी निकल जा। दोबारा इस घर की दहलीज में कदम भी रखा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझ नौकर के लिए अपने दिल को दुख देने की कोई जरूरत नहीं। मैं कदम भी नहीं रखूंगा यहाँ पर, कभी नहीं आऊंगा। अभी भगवान के लिए भैया को गलत मत समझना, उनकी बात का बुरा मत मानना, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हाँ देखा देखा, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। कृष्णा, ये क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे नहीं नहीं, आप हमसे बात मत करो बड़ी मालकिन। क्यों? अरे हम छोटी मालकिन के सारे गहने चुरा के खा चुके हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे नहीं, हम सच बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, हम चोर हैं चोर। और आप भी हमसे बात क्या को कर रही हो? आप हमको मारो, मारो हमको। कृष्णा, बड़ी मालकिन,
जब विक्की भैया ने हमको चाटा मारा ना, हमको बुरा नहीं लगा। हर नैना भाभी ने हमको कुत्ता बोला, कुत्ता, हम वो भी सह गए। मगर आज, आज साहब जी ने जब हमको चाटा मारा तो हमें या नहीं, या लगा या। उन्होंने तुम्हें चाटा मारा? हाँ, और सिर्फ चाटा ही नहीं मारा, घर छोड़कर जाने के लिए कहा है। और हम भी रहेंगे नहीं, हम जा रहे हैं। और आप भी सुन लो बड़ी मालकिन, अगर भूले भटके हमने आपके दिल को ठेस पहुंचाई हो ना, तो हमको माफ कर देना। ये क्या सुन रही हूं मैं? आपने कृष्णा पर हाथ उठाया, उसको घर से निकल जाने के लिए कहा? आप क्या समझते हैं हमारा कृष्णा चोरी कर सकता है? अरे अगर भगवान भी जमीन पर उतरकर उसके खिलाफ गवाही देना, तब भी मुझे विश्वास नहीं होगा। आप किसे मान गए? कौन कमबख्त मान गया कि कृष्णा ने चोरी की है? फिर आपने ऐसा क्यों किया? बड़ी सीधी सी बात है, जान के समझने की कोशिश करो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन कृष्णा को कोई कुछ कहता है तो एक तीर सा लग जाता है मेरे दिल में। आज वो तीर पूरी तरह घुस गया है मेरे दिल में, जब लोगों ने उसे चोर का बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने जख्मी दिल को, बड़ी मुश्किल से उठाया ये हाथ मैंने उसे मारने के लिए, बड़ी मुश्किल से मैंने उससे कहा कि निकल जाओ घर से। लेकिन लेकिन जरा ये तो सोचिए, वो जाएगा कहां? दुनिया बहुत बड़ी है जानकी, कहीं ना कहीं चला जाएगा, और ठोकरे खाने के बाद संभलना भी आ जाएगा। नहीं, मैं उसे दर दर की ठोकरे खाने के लिए नहीं जाने दूंगी। नहीं जानकी, तुमने अभी तक मेरे भाइयों को पहचाना नहीं, तुमने सोचा नहीं है कि मेरे मर जाने के बाद। ऐसा मत कहिए। हाँ जानकी, मेरे मर जाने के बाद इस घर में उस गरीब की क्या हालत करेंगे ये तुमने सोचा नहीं। अरे वो इस घर में रहकर समझ नहीं सकता, क्योंकि उसके दिल में मैल नहीं है। लेकिन उसे भेजना भी है तो ऐसे ही क्यों? दूसरा तरीका उसकी समझ में नहीं आएगा जानकी, और वो हमारा दामन छोड़कर कभी नहीं जा पाएगा। अरे साहब जी, जिन हाथों से मारा है उन हाथों से आशीर्वाद तो दे दो। अच्छा बड़े मालकिन, कम से कम तुम तो आशीर्वाद दे दो। हम समझ गए कि इस घर से हमारा दाना पानी उठ चुका। अरे बड़ी सीधी सी बात है साहब जी, मगर कृष्णा के समझ में आ जाई है कि गरीब की किस्मत उस पर कुछ दिनों के लिए मेहरबान तो हो सकती है, मगर हमेशा के लिए संवर नहीं सकती।